आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ। So हेलो हमें क्या करना है इसकी डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करनी है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन फंक्शन क्या है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन की बात करें तो हमें पता है ये कैसे खुलता है ये जब मॉड ऑफ एक्स माइनस वन होगा की वैल्यू एक्स माइनस वन होगी वेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन यानी पॉजिटिवली खुलेगा करें तो वो भी सेम ऐसे ही होगा एक्स माइनस टू वैल्यू होगी जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगा जब एक्स लेस देन टू होगा तो ये मॉड नेगेटिव होगा नेगेटिव साइन के साथ एक्स माइनस टू होगा ठीक है अब अपना फंक्शन देखें तो फंक्शन अपना क्या है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू तो ये इसको ये कैसा होगा ये हमारा होगा वेन एक्स इज लेस देन वन ठीक है जब एक्स वन से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू होगी माइनस एक्स माइनस वन राइट ये होगी माइनस ऑफ एक्स माइनस वन जब फंक्शन की वैल्यू वन से ज्यादा और टू से कम होगी यानी वन पे क्लोज है ठीक है और टू पे ओपन है टू से कम होगी

ये क्या बचा टू माइनस वन इज वन ठीक है ये फंक्शन की वैल्यू वन होगी जब एक्स की वैल्यू वन से टू के बीच में होगी जब फं एक्स की वैल्यू टू या टू से ज़्यादा होगी तो फंक्शन की वैल्यू होगी एक्स माइनस टू तो ये अपना कुछ ऐसा आ गया अब हमें इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो देखो डिफ्रेंशियबिलिटी की बात हम जब करते हैं तो हम पीक पॉइंट पे चेक करते हैं राइट एक्स इज लेस देन वन पे ये पॉलिनामियल है उस एक्स इज लेस देन पे ये कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशियबल होगा एक्स इज ग्रेटर देन पे ये क्या है ये ये x x greater than P, differentiable less than 1 पे भी differentiable 1 और 2 के बीच में देखे तो ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है कॉन्स्टेंट फंक्शन भी डिफरेंशियबल होता है तो ये भी डिफरेंशियबल होगा पर हमें कहाँ पे चेक करना है हमें इन पॉइंट्स पे चेक करना है वन पे और टू पे बिकॉज वन और टू पे ग्राफ टूट रहा है ग्राफ चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे डिफ्रेंशियबिलिटी चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू वन पे अगर एक्स इज इक्वल्स टू वन पे डिफ्रेंशियबिलिटी चेक करें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपना क्या हो जाएगा एफ ऑफ वन माइनस राइट इसको लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन होल अपॉन में राइट है ना तो ये वैल्यू देखो क्या आ जाएगी लिमिट एच टेंच से कम पे फंक्शन क्या है 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 तो तो की की जगह क्या रखना ऑफ वैल्यू तो क्या है एफ ऑफ वन की बात करें तो इक्वल टू वन पे वैल्यू क्या आ रही है वन आ रही है तो ये हो जाएगी वन होल अपॉन में एच तो वन माइनस ये कैंसिल ठीक है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस एच दैट इज एच माइनस वन बाय तो यहां से ये वैल्यू क्या आ जाएगी ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट एच टेंस टू जीरो रखेंगे तो ये लिमिट रखने पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी वन लिमिट रखेंगे माइनस वन अपॉन जीरो वन अपॉइन जीरो इज इन्फिनिटी तो दिस इज माइनस इन्फिनिटी तो ये क्या हो जाएगा डज नॉट ड नॉट एग्जिस्ट राइट डज नॉट एग्जिस्ट तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो अपनी लेफ्ट हैंड डेरीवेटिव तो अपना एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो देयर एम्प्लाइज लेफ्ट हैंड डेरीवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट अगर लेफ्ट हैंड डेरीवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो राइट हैंड डेरीवेटिव निकालने का कोई सेंस नहीं होता है क्योंकि दोनों ही इक्वल नहीं आएंगे ठीक है अगर ये जब ये इक्वल नहीं होते हैं तो उस पॉइंट पर ये क्या होता है डिफरेंशियबल नहीं होता है अब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो यहां से हम लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू वन पे फंक्शन इज नॉट डिफ्रेंशियबल राइट फंक्शन इज नॉट डिफ्रेंशियबल ठीक है तो एक्स इज इक्वल टू वन पे फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है जबकि एक्स इज लेस पे फंक्शन डिफरेंशियबल है क्योंकि क्या है पॉलीनोमियल फंक्शन है अब अब से के बीच में भी है अब पे चेक करते हैं राइट right? टू पे चेक करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू टू ठीक है टू पे चेक करेंगे तो अगेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है अपना एफ ऑफ टू माइनस राइट तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ टू होच टू माइनस एच यानी टू से कम पे फंक्शन की वैल्यू क्या है टू से कम पे फंक्शन की वैल्यू है राइट right? या टू से ज्यादा पे भी देख सकते हैं तो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात ना करके राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो ये क्या हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव टू प्लस तो एफ ऑफ टू प्लस एच तो टू प्लस पे फंक्शन की वैल्यू है अपनी टू से ज्यादा पे एक्स माइनस टू राइट तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम लिमिट एच टेंस की जगह हम लिखेंगे टू प्लस एच माइनस टू राइट हाँ माइनस टू एंड एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या है एफ ऑफ टू की वैल्यू है माइनस एफ ऑफ टू एफ ऑफ टू क्या हो जाएगा अगर हम एफ ऑफ टू की बात करें तो इक्वल टू टू पे एक्स माइनस टू है तो टू माइनस टू इज जीरो वैल्यू तो क्या आ गई जीरो और होल अपॉन में एच तो यहाँ से ये वैल्यू क्या जाएगी? ये आ जाएगी? Zero, two, two h, तो two two cancel, तो ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट एच टेंस टू जीरो वन आ गया तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया अपना वन आ गया राइट राइट हैंड डेरिवेटिव तो वन आ गया अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी अगर वन आएगा तो तो कर जाएगी मतलब इक्वल हो जाएगा तो डिफरेंशियबल हो जाएगा टू पे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो एफ ऑफ टू माइनस दैट इज लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ टू होल अपॉन में एच टू माइनस एच टू से कम पे वैल्यू क्या है वन है टू पे वैल्यू क्या है जीरो है तो लिमिट एच टेंस टू तो जीरो टू से कम पे वैल्यू वन माइनस जीरो क्या आ रहा है ये वैल्यू आ रही है लिमिट टू तो बाय और लिमिट लगेगा तो वन अपॉन जीरो अगेन क्या हो गया डज नॉट एग्जिस्ट हो गया राइट डज नॉट एग्जिस्ट अब ये दोनों आपस में इक्वल भी नहीं हो रही है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो देर इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो इस पॉइंट पे फंक्शन हमारा क्या होगा, नहीं होगा. Right? तो तो हमें क्या करना था डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी थी डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी तो फंक्शन जो होगा हमारा ये फंक्शन जो है हमारा एक्स इज लेस देन पे डिफरेंशियबल है ग्रेटर देन टू पे भी डिफरेंशियबल है बट एट वन और एट टू पर ये डिफरेंशियबल नहीं है ठीक है थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स, आठ चार सौ चार सौ चार सौ